नमस्कार, मैं हुडीजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज पर। पूर्वोत्तर के राज्यों से संपर्क को और मजबूत करने के लिए भारत चाबहार के तर्ज पर म्यांमार के स्थितव्य पोर्ट को विकसित कर रहा है। इस पोर्ट की मदद से मिजोरम और मणिपुर समेत पूर्वोत्तर के अधिकतर राज्यों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। ये पोर्ट म्यांमार के राखाइन राज्य में स्थित है। माना जा रहा है कि ये पोर्ट साल 2021 के पहले 3 महीनों में चालू हो जाएगा। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने गुरुवार को म्यांमार की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद हम अगले वर्ष की पहली तिमाही तक स्थितवे पोर्ट पर ऑपरेशन शुरू कर देंगे। इस पोर्ट से आगे स्थित पैलेटवा से लेकर भारतीय बॉर्डर तक एक हाईवे का निर्माण भी किया जा रहा है। इस हाईवे पर बनने वाले 59 पुलों के बारे में भारतीय विदेश सचिव ने कहा कि इसके लिए हम जल्द ही टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले हैं। म्यांमार में भारत स्थितवे पोर्ट के अलावा स्थितवे और पैलेटवे में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का भी निर्माण कर रहा है। इस परियोजना को मई 2017 में मंजूरी दी गई थी, जिसकी लागत $78 मिलियन आंकी गई है। इस पोर्ट को संचालित करने वाली एजेंसी ने 1 फरवरी 2020 से संचालन का जिम्मा भी संभाल लिया है। स्थितवे पोर्ट भारत के कालदान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस परियोजना को पूरा होते ही न केवल म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में माल के परिवहन के लिए परिवहन गलियारा भी बनेगा। म्यांमार की वर्तमान सरकार भारत के साथ मिलकर सीमाई क्षेत्र में और कई भी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। चीन सरकार म्यांमार पर उसके बेल्ट एंड रोड परियोजना में शामिल होने के लिए दबाव बना रही है। इसके लिए वे म्यांमार के उग्रवादी समूहों को हथियार तक सप्लाई करता है। यह आतंकी संगठन सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए चीन के बने हथियारों का प्रयोग करते हैं। कहा जाता है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी म्यांमार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इन आतंकी समूहों को हथियार सप्लाई करवाती है। इन आतंकी समूहों को चीनी सेना के साथ भी घनिष्ठ संबंध है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।